नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं ACC न्यूज़ टुडे। इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर कुछ संशय की स्थिति बनी हुई है। दरअसल 11 और 12 अगस्त को दो दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है, क्योंकि सावन पूर्णिमा तिथि दो दिन है और 11 अगस्त गुरुवार को भद्रा का साया भी रहने वाला होगा, जिसकी वजह से लोगों के मन में भ्रम है कि रक्षाबंधन का पर्व 11 या 12 अगस्त को मनाया जाए। रक्षाबंधन का त्यौहार हर वर्ष सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर भद्राहित काल में मनाया जाता है। ये पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते, स्नेह और प्यार का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए आरती उतारती हैं और भगवान से उनके जीवन में सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस बार सुबह से शाम तक भद्रा रहेगी। ऐसे में आइए जानते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:38 से शुरू हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि का समापन 12 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7:05 पर होगा। ऐसे में ज्योतिष आचार्य के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन के पर्व पर भद्रा का साया रहेगा। ऐसे में 11 अगस्त को राखी अभिजीत मुहूर्त पर बांधी जा सकती है। मुहूर्त गणना के अनुसार 11 अगस्त पर सुबह 11:37 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। शास्त्रों के अभिजीत मुहूर्त को दिन के सभी मुहूर्तों में सबसे अच्छा और शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य या पूजा भी की जा सकती है। इसके अलावा 11 अगस्त गुरुवार को दोपहर 2:14 से 3:07 पर विजय मुहूर्त रहेगा। इस तरह से भद्रा काल के रहते इस समय राखी बांधी जा सकती है। इस बार भद्रा के रहते राखी बांधने के लिए बहनों को कम समय मिलेगा। 11 अगस्त को शाम 5:00 से लेकर 6:16 तक भद्रा पूछ रहेगी। फिर इसके बाद 8:00 भद्रा मुख रहेगी। शास्त्रों में भद्रा के समय राखी बांधना शुभ नहीं माना गया है, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी हो तो चौघैया के समय भी ध्यान में रखकर राखी बांध सकते हैं। वैसे कई पंडितों का मानना है कि भद्रा रक्षाबंधन के दिन पाताल लोक में निवास करेंगी। ऐसे में इसका असर पृथ्वीवासियों के ऊपर नहीं पड़ेगा।